नमस्कार, मैं राजा बाबू और आप देख रहे हैं किंग न्यूज। और आज महाशिवरात्रि है तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जो बिहार LRC में जॉब करना चाहते हैं। ये वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जिनका बिहार LRC का रिजल्ट हो गया है और मेरिट लिस्ट के लिए दर दर भटक रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 मार्च को रिजल्ट जो है वो जारी होना था, क्योंकि पिछला बार जब प्रोटेस्ट हुआ था तो BCC बोर्ड के द्वारा कहा गया था कि 5 मार्च तक जो है वो मेरिट लिस्ट हम जारी कर देंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं 8 मार्च हो गया है और क्या हुआ, हम लोगों को रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो इसी रिजल्ट को जल्दी से जल्दी पब्लिश करवाने के लिए एक बार फिर से धरना का डेट रखा गया है, वो है 11 मार्च। तो आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आप लोग भारी से भारी संख्या में 11 मार्च को पटना पहुंचिए और अपने रिजल्ट के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए जोरों शोरों से आवाज़ उठाइए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अगर 2-3 दिन 5 दिन में अगर मेरा रिजल्ट नहीं आता है, हम लोगों का रिजल्ट नहीं आता है, तो अभी हमारा होली का त्यौहार भी है, उसमें सरकारी छुट्टी रहता है और उसके बाद चुनाव भी है। तो BCC बोर्ड को एक बहाना मिल जाएगा कि अभी चुनाव है तो हम वैकेंसी मतलब रिजल्ट जो है वो पब्लिश अभी नहीं कर सकते हैं। तो ये बहाना को अगर लेकर के अगर रिजल्ट पब्लिश होने से टाल दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि फिर आपका जॉब जो है वो 3-4-5 मंथ बाद होने वाला है। या फिर सरकार का क्या मंशा होता है इस वैकेंसी को लेकर के, हो सकता है कि वैकेंसी रद्द भी हो जाए। तो ऐसा ना हो, हम लोग को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाए, उसके लिए हम सभी भाई बहनों को 11 तारीख को पटना चलना है, भारी से भारी संख्या में हक की लड़ाई लड़ना है, अपना आवाज़ को उठाना है। तो मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ उन सारे भाई बहनों से कि आप लोग 11 तारीख को पटना जरूर चलिए। आपको बता दूं कि बीते दिन बिहार में 3-4 वैकेंसियाँ जो है वो कैंसिल भी की गई है, वो भी अंतिम चरण हो करके, अंतिम चरण पहुँच करके। और ये भी हमारा जो LRC का वैकेंसी है ये भी कहीं ना कहीं अंतिम चरण पर है, क्योंकि परीक्षा हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, रिजल्ट हो गया है, अब सिर्फ मेरिट और ज्वाइनिंग है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये भी वैकेंसी जो है वो अंतिम चरण पर है। जो वैकेंसी रद्द हुई है, मैं उस वैकेंसी के बारे में बता दूं कि वो सारे वैकेंसी जो है वो पिछले महागठबंधन सरकार के RJD खाते की वैकेंसी है। और ये भी जो हमारा बिहार अमीन का जो LRC वैकेंसी जो है ये भी RJD खाते की ही वैकेंसी है। तो सरकार की नज़र इस पर ना चल जाए, क्योंकि आप लोग भली भांति जान रहे हैं कि अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार का नज़र इस पर ना चल जाए और ये वैकेंसी भी हमारा हाथ से निकल जाए, उससे पहले हम सभी भाई बहनों को जल्दी से जल्दी BCC बोर्ड के द्वारा रिजल्ट को पब्लिश करवाना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को 11 मार्च को पटना चलना बहुत ज़रूरी है। और जो भाई ये सोच रहे हैं, जो भाई SSJEE में लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि LRC जॉब छोटा मोटा है, रिजल्ट हो गया है, फिर भी सोच रहे हैं कि बात छोड़ो, हम SSJEE का तैयारी करेंगे, तो भाई भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। क्या पता SSJEE हो या ना हो और आप LRC में अपना रिजल्ट प्राप्त कर लिए हैं, तो पहले आप LRC को ध्यान दीजिए। अगर LRC में आपका जॉब हो जाता है उसके बाद आप स्ट्रेस फ्री होकर के SSJEE को तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी पोस्ट के भाई हैं, चाहे वो अमीन के हों, चाहे वो ASO कानूनगो के हों, चाहे वो कलवर्क के हों, आप लोग भारी संख्या में, भारी मात्रा में, विशेष करके बानो से अनुरोध है कि आप लोग भी भारी मात्रा में अपना योगदान दीजिए और 11 मार्च को पटना जरूर चलिए और अपना हक की लड़ाई लड़िए। ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये हमारा हक की लड़ाई है और हमें लड़ना चाहिए। देखिए, हर कोई चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हो, जन्म हो, लेकिन अपने घर में नहीं, किसी और के घर में। तो ये बात आपको भूलना होगा, आपको अपने आप चंद्रशेखर आज़ाद सुभाष चंद्र बोस बनना होगा। बाकी आप समझ सकते हैं मेरा कहने का मतलब क्या है। बाकी इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिए और उन सब भाइयों तक पहुँचाइए जो इस तारीख को नहीं जान रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, 11 मार्च पटना चलिए LRC रिजल्ट मेरिट लिस्ट जारी करवाने के लिए। बाकी इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिए और हो सके तो आप भी एक क्लिप बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा में
भाई इसको जान पाए और बड़ा से बड़ा हमारा ये मुद्दा बन पाए और सरकार की नज़र में ये जा पाए। बाकी फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और मिलते हैं पटना 11 मार्च को। जय हिंद, जय भारत।